और पति बोला पति भी कोना। अच्छा तो कहा बेटी मैं फिर आऊँगा, अभी तो मुझे समय है नहीं, फिर एक दो दिन रुकूँगा, इन सबको प्रार्थना करूँगा और समझाएंगे। चला गया। अब वह बुढ़िया ने तो सींग पिना लिए और लग गई लड़न उस लड़की के साथ, कितना शर्म नहीं आई, मारी बेइज्जती करे, इतना बोलन का भी ना बेरा है, मन 60 साल की औरत ने तो 6 महीने की बतावे, और ससुरा मार दिया तने, खसम मार दिया उन्होंने, कह सही कोई ना। अब वो होगी कला शुरू। अब ऐसे होता है जगत और भगत का न्यू बैरोस है, उनके सारे नियम उलट होते हैं। अब बुढ़ा आया श्याम ने, बुढ़िया ने तब होगी शुरू, फिर सारे प्रवचन सुनाने, बोली किसे घर की आएगी या देख, मन्नत न्यू कह 6 महीने की, इनके इनके गांव तारा था एक बाबा जी, और उन्होंने पूछा था तेरी सासू है कितने दिन की, तेरी सासू है न, बोली को सासू तो 6 महीने की है, मुझे तो 6 महीने की बतावे, और तन्ने तेरे बारे में कहती ससुरा तो मेरा सह को न, और खसम ने भी नो बोले अपने मेरे लड़का भी मार दिया इसने तेनों को भी कोई ना। अब बूढ़ा समझदार था भाई, इस बालक गेला के बालक होऊंगा, और वो कह के गया है 2-3 आऊँगा फिर मैं उसी से बात करूँगा। तो उस वृद्ध ने उस उसके ससुर ने जब वो आया संत, उससे पूछा महाराज जी इस लड़की ने बहुत गलत शब्द प्रयोग किए और हमने इस बात का घना दुख हो रहा है। अब क्या शब्द प्रयोग किए कि उसने आपकी बात हो रही थी जब मेरी पत्नी को अपनी सासू जो 60 वर्ष की है लगभग उसको तो न्यू बोली अकिया 6 महीने की है, और मैं देख तेरे आगे जीवित बैठा मेरे बारे में क्या बताया था उसने ससुरा सहे को ना, या कितनी नालायक लड़की है, और अपने पति के बारे में भी न्यू कहे थी उससे वो भी को ना, केवा रांड होगी भाई। तब उस महात्मा ने कहा कि चौधरी साहब बात सुनो मेरी, ये हमारे कोड वर्ड थे, ये थारे समझ में बात आने की कोई नहीं थी। वह बुढ़िया बुढ़िया बैठी, वह लड़की भी बुला ली, सारे बैठ गए, वो इकट्ठे हो गए। जब उस महात्मा जी ने कहा कि जिसने नाम नहीं ले रखा, भक्ति नहीं करता, उसका मनुष्य जीवन नहीं है, वो तो पशु के साथ जीवन है, और इस बुढ़िया ने 6 महीने पहले नाम लिया होगा। वह बुढ़िया बोली हाँ जी 6-1 महीने पहले नाम ले लिया था मैंने, एक महात्मा महाराज जी आ रहे थे गांव में, और इस थारी बेटी ने दबाव देकर मुझसे नाम दिलाया था, मुझे नाम दिलाया, तो इसलिए तेरे को तो न्यू बता रही थी 6 महीने की से बुढ़िया, इससे पहले पहले का माई तेरा जन्म पशु के साथ था, मानस का नहीं था, और जिस दिन तक नाम मिला उस दिन तेरा मनुष्य का जीवन प्रारंभ है, इसलिए तू 6 महीने की बताई। अच्छा महाराज जी मेरा तो गलती होगी, और मन तो बहुत गलत सलत बोल दिया बेटी ताई, अब कोई बात ना, बिना ज्ञान के ऐसे हो जाता है, और सुसर ने नाम नहीं ले रखा इसलिए इसने नौका क्यों तो सहे को नहीं। तो बुढ़े के भी इस बात का असर हो गया, अक महाराज जी बात तो तेरी सोला ने काफ़ी ज्ञान समझा। तो उस सुसर ने भी नाम ले लिया, फिर पति ने भी उपदेश ले लिया। एक पुण्य आत्मा अच्छे घर की बेटी सत्संग परिवार की दूसरे घर को जाकर भी ऐसे सुधार देती है। तो जिस दिन से आप जी को उपदेश मिला है वो आपका जन्म है, और बाकी का जो जीवन है आपका वो व्यर्थ गया। फिर भी कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जब तक हमें उपदेश प्राप्त नहीं हुआ तब तक हमारा जीवन व्यर्थ होता है, और मानुष जीवन पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो अब ये पशु तुल्य जीवन बताया सतगुरु ने। तो गुरु जी भी पूरा हो, देखो परमेश्वर कबीर जी आते हैं वो चारों युगों में अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, और उस ज्ञान के अंदर दम होता है, बाकी ज्ञानों में दम नहीं होता। तो उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के ये नकली संत भी नाम देते फिरते हैं, उसी आधार से वो नाम ले लेते हैं, लेकिन उनको और लाभ कुछ नहीं होता नाम का, जो क्योंकि अधिकारी नहीं है,
लेकिन इतना अवश्य हो जाता है कि उनके बताए अनुसार वो बुराइयों से बच जाते हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू अगर वो छुड़वा देते हैं उनका, तो उन पापों से बच जाते हैं। और ये समय आता है कोई बहुत लंबे समय के बाद, जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें आप जी को उपदेशी बना कर और आपकी बैटरी चार्ज करके आपको इतनी भक्ति करवाएंगे कि अब इस पिछली पीढ़ी तक आप जी का मनुष्य जीवन चलता हुआ आ रहा है। और केवल आप जी को 5 नाम देकर गए थे वो। इन 5 नामों से 600 वर्ष पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, परमात्मा ने और नाम नहीं देते थे। और केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को, जो विशेष आत्माएं थी, उनको ये सभी मंत्र दिए गए थे, लेकिन उनको आगे दान करने का आदेश प्रभु ने नहीं दिया था। वो कौन सी पुण्यात्माएं हैं जो 600 वर्ष के दौरान, आज से 600 वर्ष के बीच में, जिनसे परमात्मा मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी उनके समकालीन थे, आदरणीय नानक साहिब जी कबीर साहिब के समकालीन थे, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले गांव छुड़ानी वाले जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, ये बाद के हुए हैं। उनके समकालीन 2 महात्मा पुरुष थे, उन सबको परमात्मा मिले और उनको नाम पूरे दिए, लेकिन उनको आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया? क्योंकि ये नाम फिर सब जगह फैल जाएगा, नकली संत काल के दूत इन्हीं नामों को देते हुए फिरेंगे, और हमारी जब पिछली पीढ़ी का समय आएगा इनको पार करने का, जो अब वर्तमान में चल पड़ा, तो उस समय हम न तो ज्ञान की भिन्नता बता पाएंगे और न ही नाम की कोई भिन्नता होगी। वही नाम वो नकली दे रहे होंगे, वही नाम हम देंगे, तो उन नकलियों को छोड़कर वो पुण्यात्मा हमें पहचान नहीं पाएंगी, यहाँ नहीं आएंगे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का, इस 2 अक्षर के नाम के जाप की विधि भी अलग है। 5 नाम भी दिए थे, 5 नाम, उन 5 नामों का भी गुरु ग्रंथ साहिब में विवेचन है, जिक्र है, और सतनाम का भी रह रहकर जिक्र है। लेकिन सतनाम एक कोड वर्ड है, सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, सच्चा साहिब, सचखंड, सचखंड कहो चाहे सतखंड कहो चाहे सतलोक कहो, वो तो है एक स्थान का नाम। और सतनाम कहो चाहे सच्चा नाम कहो, रियल मंत्र कहो, ये है एक जाप करने का अक्षर मंत्र। तो ये मंत्र नानक साहिब जी को परमात्मा ने दिए थे, कबीर परमेश्वर ने, लेकिन उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि अभी पुण्यात्माओं ये नाम किसी को नहीं बताना, ये नाम दान नहीं करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी में हमारे जीवों को ये काल के दूत अपने जाल में फंसाए रखेंगे, हम उनसे वापस नहीं ले सकेंगे। जैसे धन धन सतगुरु राधा स्वामी हैं, और ये नरेंद्र अनसा देश वाले, बाल योगेश्वर सतपाल वाले, निरंकारी या सारा मरके से, ये सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को, इनका ये सुधांशु जैसे, इनके पास खख नहीं ज्ञान का, कत्ती दातुन ज्ञान नहीं, एक नए पैसे कह महापुरुषों के पास, ये पिछले जन्म की पुण्यात्मा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहे हैं, और साथ में भोली आत्माओं को मिसगाइड करके, भगवान से दूर करके, ये महापाप के भागी हो रहे हैं। इससे बड़ा अपराध पृथ्वी पर नहीं है, और इससे बड़ा पुण्य नहीं जो आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं और इन पुण्यात्माओं को सही मार्ग दे दिया जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और इससे बड़ा पाप नहीं। आपके अनमोल जीवन को बर्बाद किया जा रहा है नकली संतों और गुरुओं के माध्यम से, ये काल अपना दाव लगा रहा है। तो इस जो दास से आपको बताना चाहता है कि परमात्मा ने ये मार्ग छुपा रखा था, इस ज्ञान को भी छुपा कर रखने की प्रतिज्ञा करा रखी थी, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान जो दास आपको अब प्रकाश में ला रहा है, जिस ज्ञान को, इसको छुपा कर रखने की प्रतिज्ञा करा रखी थी,
और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब तेरहवां पंथ ये शुरू हो गया परमात्मा का ओरिजिनल, तो बारह तप खत्म हो गए क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनके पास वो मंत्र नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो नाम नहीं। और आज बुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, बहुत शीघ्र इस मार्ग को स्वीकार करेगा। तो नानक साहेब जी को परमात्मा ने नाम दे दिया था सतनाम, और फिर गुरु नानक जी को उसको सीधा नहीं बोलते थे, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु का अर्थ था कबीर परमात्मा सचखंड में नानक जी को लेकर गए थे, वहाँ देखा था उनके नज़ारे को, झांकी को, कि सचमुच ये तो परमात्मा है, सचखंड में रहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि आप ही वापस जाओ, इस ज्ञान का प्रचार करो, जो आपने आँखों देखा है वो जनता को बताओ, भक्तों को ये काल का जाल समझाओ। और मैं काशी में रहता हूँ, रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं, और मैं वहाँ जुलाहे का काम करता हूँ, मैं पृथ्वी पर भी रहता हूँ। अब नानक जी वापस आए, तीन दिन तक वो अदृश्य हो गए थे, बेई नदी में डुबकी लगाई थी नहाने के लिए, वहाँ से वापस नहीं आए थे। तीसरे दिन उसी दरिया के किनारे खड़े दिखाई दिए। उसके बाद जो नौकरी करते थे नानक जी, नौकरी को त्याग कर प्रथम उदासी बनारस की है, वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा जो परमात्मा को, ओ हो हाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठकी देश, खरासियाणा बोता बार, ये धारणक रूप रहा करता, आँखों में आंसू भर आई। और वहाँ के जुलाहों को कुछ कॉलोनी में खड़े होकर आवाज़ लगा रहे हैं कि ये रहा, ये धानक रूप रहा करता, ये परमात्मा रहा, लोगो आ जाओ देख लो भाइयों भक्तो, ये भगवान है, ये परमात्मा है। अन्यों का आग्रह घर का जोगी जोगड़ा बार का जोगी सद। अब जुलाहों ने, काशी वालों ने, तो वो एक मूर्ख सा लागे था, एक गरीबड़ा सा आदमी, धानक जुलाहा, कपड़े बनकर रोटी खा अपना गुजारा कर रहा है, जिसने भगवान बतावे कोई, सात जन्म भी ना जचा है। लेकिन नानक साहिब जी कैसे भूल सकते हैं। फिर नानक साहिब जी को उपदेश दिया कि वहाँ आना, सतनाम दूंगा। तो उससे पहले वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, सतनाम मिले वाहेगुरु वाहेगुरु, जब परमात्मा मिले देखा तो हो, ये तो वही वाहेगुरु, यानी वो परमात्मा ही ये गुरु रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही सचखंड लेकर गए थे और फिर वापस छोड़ा था, उनके अंतःकरण में ये तत्व ज्ञान भर दिया था, उनका ज्ञान योग और दिव्य दृष्टि खोल दिया था। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, आम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ, हम यानी मुझे पार किया, अब्राहिम सुल्तानी अधम को पार किया, दादू जी को पार किया, नानक जी को पार किया, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। वो जाति जुलाहा, वो धानक जात में उत्पन्न प्रगट परमात्मा और भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। कहते झांकी वे कबीर की, नानक की ती वाह, और वह सिखा का गलपड़ीब कौन छुटावेता। अब नानक जी ने परमात्मा को देखा था सतलोक में, झांकी एक झलक, जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो ना भाई, अब झांकी आ रही है हरियाणा की, उसमें हरियाणा के अंदर जो भी उनका प्रोग्रेसिव वर्क होते हैं, कोई अच्छे स्थल होते हैं, उनकी एक झांकी बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उसको सजा दजा कर एक ट्रैक्टर से पहले लेकर चलते हैं। तो उस झांकी में वहाँ के हरियाणा में जो भी प्रोग्रेस हो रही है, या कोई अच्छा स्थल है, कोई धार्मिक स्थल है, या कोई और अच्छी कोई इंडस्ट्रीज लगी हैं, प्लांट लगे हैं, उनके उसके अंदर एक मॉडल बनाए होते हैं, उसको झांकी बोले हैं, नज़ारा। तो ऐसे कहते हैं सतलोक में परमात्मा को देखकर झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, ओए होए होए, उन्हें तो हृदय से कहा था वाह वाह वाह, ये है भगवान,
और फिर कभी गुरु रूप में बनारस में मिला जब ने कहा था वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु,